ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का एनएक्सी भवन के सभागार में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद के मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय में 75 नायब तहसीलदार जो कि विभिन्न जनपदों से हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी जा रही है कि आपदा में किस तरह कार्य किया जाए, क्योंकि आपदा के समय बहुत से लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए उस ग्राम की आपदा को ध्यान में रखते हुए सही योजना बनाई जाए। इसके अलावा जो छात्र आपदा प्रबंधन का कोर्स कर रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा गांव में बाढ़ की स्थिति, बारिश के समय किस तरह से बचाव किया जाए लोगों को बताया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा योजना बना लेते हमें क्या करना है तो हम और बेहतर ढंग से उसको कर पाते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास बहुत अच्छे अच्छे तो इसी प्रकार आप मोरिंग की दुर्घटना देखिए या उत्तराखंड में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अभी मेरा सोच ऐसा है, मतलब डीडी होने के सीईओ होने के नाते होता क्या है, जैसे ही कोई दुर्घटना होती है उच्चाधिकारी लेकिन उन लोगों को आईआरएस की तकनीकी जानकारी नहीं होती है कि आईआरएस में करना क्या है। अच्छा, वहाँ गोरखपुर जनपद में बार बार इसका प्रशिक्षण लेकर के ये प्रयास किया है और इसका हमने इस्लामिया में उसका प्रयोग भी किया, हमारे उच्चाधिकारी पहुंचे, उनको हमने अनुरोध बना करके योजना बनाए और डायरेक्ट करें, ठीक, इसलिए कि हमने वो बूता नहीं है कि हम फर्स्ट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घटना हो जाती है घटना स्थल को मूव कर जाते हैं, सूचना नहीं देते हैं। परसों सदर में एक दीवार गिर गई, मतलब एक व्यक्ति दबा और उसकी डेथ हो गई, हमें ये सूचना शाम को मिली जब उसके बारे में हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि साहब इसको कुछ अनुदान देना है, कुछ सहायता देना है, जबकि मैं सबके लिए कह रहा हूँ आपको घटना की जैसे ही जानकारी मिले, मोबाइल सबके पास है, सबसे पहले आप अपने उच्चाधिकारी को उसके ऊपर वाले भी अधिकारी को फर्स्ट हैंड बता दें। ना फर्स्ट हैंड का मतलब आप मान लीजिए इंटरमीडिएट अधिकारी को जो मध्यस्थ मान लीजिए आप नायब तहसीलदार या प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं, आप ही डीएम साहब को ही बताएं, आप ही एडीएम साहब को ही बताएं, इसलिए आप प्रश्नों का क्वेरीज का उत्तर दे सकेंगे। मान लीजिए आप हमें बता रहे हैं हमने कोई उत्तर भी प्रश्न किया, आप दे सकेंगे, आपने एसडीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब ने हमें बताया, जब हम कोई प्रति प्रश्न करेंगे एसडीएम साहब फिर आपसे पूछेंगे, फिर हमारे तक उत्तर आएगा। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी घटना दुर्घटना आपदा होती है सबसे पहले उसकी सूचना दें, जैसे ही आपको मिले यदि बात अपने नीचे जो आपके आरआई हैं जो आपके लेखपाल हैं आप उनको लौट करके बताइएगा कि जैसे ही कोई घटना की सूचना मिले आप मूव तो कर जाएं लेकिन आप सूचना जरूर दे दें, गांव से सूचना को प्राप्त कर लें और उसको आगे बढ़ा दें, पहला पॉइंट यही है। अब इसके बाद यदि हमारी प्लानिंग अच्छी है पहले की, जिसको मिटिगेशन कहते हैं कि हमने आपदा के बचाव के लिए और आपदा की पूर्व तैयारी के लिए अच्छा कार्य किया है, तैयारी करते हैं, जब हम फोर्स में जाना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ लोग लगातार दौड़ लगाते हैं, लगातार दौड़ लगाते हैं, आपदा अभी हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, परंतु विश्व ने इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है, बार बार जोर दिया जा रहा है कि इसके बचाव का अच्छा तरीका, अभी आज भी सुबह न्यूज पेपर में था एक हवाई जहाज करीब 40 लोगों को लेकर के झील के अंदर चला गया ना, अब जैसे ही आपको मालूम चलेगा तो पता है कि आपके पास यही आइडिया नहीं है कि हमें अब करना क्या है। तो जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो भारत में दो स्पेशल फोर्सेस बनी हुई है, स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ, सेंट्रल लेवल पे एनडीआरएफ, गोरखपुर का सौभाग्य है यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ पर्याप्त मात्रा में है कि उनको हर बड़ी से बड़ी आपदा
को हैंडल करने का प्रशिक्षण दिया गया है, वो इसीलिए बने ही है, रिस्पांस फोर्स है। जब आप उनको बता देंगे कि साहब ऐसा हो गया, उस तैयारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, उस तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई बस है, अभी क्या होता है कि पुल से गिरती और नदी में समा जाती है, अगर एग्जैक्ट बता दिया जाएगा तो उसी तैयारी से लोग आएंगे, गोताखोर होंगे, नावे होंगी, इस तरह के इक्विपमेंट लेकर के आएंगे कि मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। तो आज का जो प्रशिक्षण है वो आपदा को, जिसको मिटिगेशन कहते हैं कि आपदा को हम न्यून करें। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, गोरखपुर में बार बार बाढ़ आती है, उस बाढ़ में क्या होता है, नंबर एक गांव महरूम हो जाते हैं, उन गांवों तक पहुंचने का जो संपर्क मार्ग है वो नहीं होता है, डूब जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन संपर्क मार्गों को ऊंचा कर देना चाहिए। इसको मिटिगेशन कहेंगे कि आपदा से कैसे, आपदा का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है। तो जो मौजूदा वक्त है वो आपको बेवकूफ समझ सकता है या आपको ये समझ सकता है कि आपको हमेशा कल्पना में ही रहते हैं। सर, छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है क्या? देखिए, आज विशेष रूप से जो हमारे वहाँ मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय है, वहाँ पर 75 नायब तहसीलदार साहबान जो विभिन्न जनपदों से हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी में एक नवाचार के रूप में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जो आपदा का जो संबंध है वो विकास की योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक सशक्त रूप में विकास योजनाएं तैयार हों और समुचित विकास हो ग्राम का, इसलिए उस ग्राम की आपदा को ध्यान में रखते हुए उस ग्राम की योजना बनाई जाए, इसके दृष्टिगत ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नवाचार के रूप में आज किया जा रहा है। इसमें मतलब जो हमारे 75 नायब तहसीलदार साहबान हैं वो हैं, उनके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन का कोर्स कराया जाता है, उसके भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे आपदा मित्र व सखी भी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ये लोग भी इसमें आज एज अ प्रतिभागी हैं और ये एक तरीके से संबंधित तहसीलदार साहबान को योजना निर्माण में असिस्ट करेंगे, जिससे कि इनका भी ज्ञान वर्धन हो सके और ये भी एक आपदा प्रबंधन की दिशा में एक कार्रवाई आगे कर सकें। इसको दृष्टिगत लेकर के ये चीज़ें आज यहाँ पर की जा रही हैं। क्या क्या बताया जा रहा है इसमें? बेसिकली जो ग्राम की जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण है, प्लस जैसे गाँव में जो बाढ़ की सूचना बाढ़ आती है, जो हमारे उधर अग्निकांड की घटनाएँ घटित होती हैं, ओलावृष्टि होती है, बेमौसम वर्षा होती है, इन सबको देख करके क्या गाँव के लिए स्पेसिफिक रूप से कार्य करने की ज़रूरत है वो योजना के अंतर्गत डाला जाएगा, जिससे कि गांव में जो भी ये आकस्मिक घटनाएं घटित हो रही हैं उससे जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो और गांव वाले इससे जागरूक हो सकें।